आप लोग ठीक ठाक है भाई? लोग क्या चल रहा लाइफ में, कैसे हो? संडे है, जल्दी उठे हो, देर से उठे हो, क्या चल रहा है, क्या खाया आप लोगों ने आज? मेरा तो नाश्ता हो चुका है और आज शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं जा रहा हूँ परिंदों की मार्केट, संडे बाज़ार जो लगता है परिंदों का, क्योंकि मैंने आज जो है ना अपने मुर्गियों के लिए कुछ नए मेहमान लाने हैं घर के अंदर, मुर्गियाँ लेकर आने हैं उनके उनके लिए। तो मैंने आज सोचा कि आज इतवार है तो आज माँ इसको कवर करेंगे, वहाँ परिंदों की मार्केट को देखते हैं, को हमारी मतलब कि कोई मुर्गा मुर्गी मिलते हैं वहाँ या नहीं मिलते हैं। तोते शोशे था, तोते शोते भी आपको दिखाएंगे, तोते शोते निकल गए हमारे मुँह से, वो भी आपको दिखाएंगे। बच्चे हमारे उठ चुके हैं, ये आ रहे हैं टहलते हुए, और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था इसी वजह से, क्योंकि बच्चे बीमार थे। अभी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर तबीयत है। 3-4 दिन से मैं जो है ना वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाया, ना बनाई मैंने काफ़ी दिनों से जाने का सोचा हुआ था, और देखते हैं हमारे मतलब कि मुर्गी मिलती नहीं मिलती है। अगर अच्छी मिल गई तो मैं ज़रूर खरीदूंगा, बाकी मैं आपको वहाँ की पूरी मार्केट दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैं निकल रहा हूँ, फिर बहुत देर हो चुकी है। बाइक पे जाएंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि तो गाड़ी की पार्किंग का वहाँ इशू होता है बहुत ज़्यादा। बाइक में मैं आ चुका हूँ, बाइक पे जाऊँगा, स्टार्ट करेंगे बाइक। बाइक मेरी स्टार्ट हो गई है, वहाँ मार्केट पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। संडे बाज़ार मार्केट में आ चुका हूँ, यहाँ आप रश देख सकते हैं कितना रश हो रहा है। वो दूर तक मार्केट लगी है पूरी, कबूतर, तोते, मुर्गे, मुर्गियाँ, फिश, मछलियाँ सब यहाँ मिलता है। इतवार इतवार वाले दिन, ख़ास तौर पर इतवार वाले दिन सब कुछ यहाँ मिलता है। अभी चलते हैं अंदर मार्केट की तरफ। मार्केट में मैं दाखिल हो चुका हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश क्राउड हो रहा है। मालूमात करते हैं, तोते देखते हैं। भाई किसके तोते हैं ये, कितने का दे रहे हैं? कुछ नहीं पता। वो भाई के जिसका जिसका ये तोता है वो भाई चले गए, ये आ गए भाई। तोते भाई कौन से तोते हैं ये? कितने का यार ये, कितने का? ये 22,000 रुपए का तोता दे रहे हैं। अभी आप आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बहुत बड़ा बाजार लगता है यहाँ इतवार को। और अरे ये बंदा तो जाना बचाना लग रहा है भाई। सुमेर भाई आप क्या क्या कर रहे हैं भाई? असल मैं यहाँ पे अरे मुर्गी देखने आया था, मुर्गा मुर्गी। अंडे बड़े महंगे हो गए हैं, तो सोचा कि मुर्गियाँ पाल के उसी से अंडे निकाल के खाएं तो ज्यादा सस्ते पड़ेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा, गुड हो गया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं तो यार अपने मुर्गा मुर्गी के लिए नए मेंबर लेने आया था, फैमिली लेने बढ़ाने के लिए। मैंने बोला कि जो है ना वो फैमिली बढ़ानी है उनकी, तो मैं भी मुर्गी और देख लेता हूँ। आप भी देखो अंडे बड़े महंगे हो रहे हैं और इस तरीके से कारोबार चलेगा हमारा भी। ये तो बहुत गुड हो गया। हमने सोचा कि चलो यार रोज एक मुर्गी अंडा देगी, एक अंडा करके खाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? चलो अच्छा हो गया, चलें फिर आगे चलें। ये आपको थोड़ी पहचान भी नहीं थी, मुझे थोड़ी सी पहचान वगैरह। यही थोड़ा डर रहा था कि मैं, मुझे पता नहीं मैं कोई ऐसी मुर्गी ना ले लूं जो अंडे ही ना दे। बस बस तो मेरे अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे, इंशाल्लाह। चलो चलते हैं, चलते फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको तोता वगैरह, देखते हैं पहले मुर्गी वगैरह देखते हैं। आ जाओ, हाँ काफी है। ये तोते के छोटे छोटे बच्चे 800 रुपए का। बच्चे हैं छोटे, कितने का पेयर दे रहे हो यार? 4,500 रुपए का एक रिंग नेक का। 4,500 का रिंग नेक? 4,500 सुमेर भाई, 4,500 का दे रहे हैं बच्चा। भाई लेना आएंगे। ये सारे तोते रखे हुए यहाँ पे, पहाड़ी तोते, ऑस्ट्रेलियन तोते, फ्रेंचीज, छोटी छोटी। ये तो प्रॉपर दुकान है पूरी। ये तो पूरी प्रॉपर दुकान। कौन सा कबूतर है दोस्त? हेलो पट्टी, वो जो नीचे उड़ते गोला होते हैं वो, तो दूसरे
अच्छा नीली आंख वाले, ये शर्ती वाले तो नहीं है जो शर्त लगाते हैं? हेलो, शर्त वाले ये ना, पट्टी वाले। हाँ ये शर्त वाले भाई, ये इनके बारे में कहते हैं ये कितने दिन तक, हफ्ते हफ्ते तक उड़ते रहते ना, जितने दिन मर्जी लगाओ ये हफ्ते हफ्ते तक कबूतर आसमानों में उड़ते रहते हैं। कितने के ये? कितने? 300-400 का, मतलब ज्यादा रेट नहीं होता इनका। ये सस्ते कबूतर होते हैं पर शर्ती कबूतर होते हैं। वाह 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 वाह, ये देखे कबूतर अपना डांस भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। कौन सा कबूतर है अंकल ये? लका, ये शेराजी है, ये शेराजी है। ये हम शायद लग रहा है कबूतर की मार्केट में आ गए हैं सुमेर भाई। मुर्गा मुर्गी तो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, हमें पीछे जाना पड़ेगा, पीछे वापस जाना पड़ेगा। चलो आप पीछे चलते हैं। बहुत रश हो रहा है, धक्का धुक्की करके निकलना पड़ रहा है कि भाई रास्ता दे दें, थोड़ा सा रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत रश हो रहा है। जबरदस्त खूबसूरत सा तोता है, कौन से है भाई? ग्रे पैरेट। कितने का? 1 लाख रुपए का तोता। चलो भाई, चलो खाली करने का ऑर्डर आ गया है, यहाँ से जगह खाली करवा रहे हैं पुलिस वाले। बहुत ज्यादा रश हो गया और निकलो यहाँ से। जैसे जैसे मुर्गियों का रेट बढ़ता जा रहा है, मुर्गियाँ शॉर्ट होती जा रही हैं, मुर्गियाँ अभी नजर ही नहीं आ रही हैं बिल्कुल, ना देसी ना फार्मी। कुछ जो मार्केट में भरपूर माल आता था अभी बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पे खरीदे, यहीं से गोश्त बनाए और यहीं से घर ले जाए, चाहे तो होटल में देकर जो है ना कढ़ाई बना के ले जाए, यहाँ पे एक इंतजाम सारा कर दिया। ये किसकी, तुम्हारी है? क्या मांग रहे बाबा, नहीं देनी? बड़े हरामी हो बेटा, देनी नहीं है भाई आज। पत्नी सुमेर भाई, ये तो वाले जवाब दे रहे हैं। मंडी चढ़ जाती है ना, वैसे यहाँ संडे के दिन से है ना मुर्गी, क्या मुर्गी का रेट बढ़ गया, मुर्गी का रेट बढ़ गया। वैसे भी मुर्गी का रेट 880 है। कितना यार, कोई मुई नहीं लगा रहा यार, क्या लगा रहा भाई, मुझे लग रहा है। तो हम कह रहे थे भाई हमें तो यहाँ कोई मुई नहीं लगा रहा, ना तोते वाले हमें जवाब दे रहे हैं, ना मुर्गी वाले हमें जवाब दे रहे हैं, क्या सीन है भाई? बहुत अंडे और मुर्गियां बहुत महंगी हो गई, क्या हम लोग तबियत से फारिग है? लोग ये समझ लेंगे लेकिन हम है तो नहीं भाई, सीधी बड़ी बात है। हम बड़े बिजी मैन है अलग होता है और एक बिजी मैन अलग होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम बड़े बिजी मैन है। हाँ भाई, क्या करूँ, अभी ले लूँ। अच्छा ये भाई चाय वाले हमारे खास तौर पे हमें बोल रहे हैं हमें वीडियो में ले लो, ले लिया बस मैंने आपको, अभी आप वीडियो में हो गया। सुमेर भाई मुर्गी नहीं मिलनी, क्या करें, बत्तख के बच्चे ले लें क्या? बत्तख के बच्चे अंडे नहीं देते बॉस, अगर देते तो वो भी खा लेते हम। फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, जब से अंडों का और मुर्गी का रेट बढ़ा है, अंडे वाली मुर्गी ही शॉर्ट है भाई। मिस्री मुर्गी मार्केट में है ही नहीं, अभी तक हमने एक नहीं देखी, सारी असील मुर्गियां बढ़ी हुई है, मिस्री मुर्गियां शॉर्ट है। क्या कहोगे भाई इस बारे में? इस बारे में ये कहेंगे अब अंडा 50 पे जाना वाला है तो उसी तक चक्कर में मुर्गियां भी शॉर्ट हुई हुई, तो अब हम क्या करें, क्या खाएं? मेरा मुर्गियां सारी स्ट्राइक पे जा रही है भाई। मिस्री मुर्गी ने बोला हमारी मांगे पूरी करो, हमें दाना भरपूर खिलाओ। हम खा ले या मुर्गियों खिलाने, बहुत बड़ी बात है बॉस, महंगाई बहुत हो रही है तो इसी चक्कर में हम देख रहे हैं। एक लाख रुपए का तोता भाई आपको दिखाया मैंने, ग्रे पैरेट आपने देखा, 1 लाख रुपए का तोता यार, 1 लाख रुपए में आप क्या चीज गाड़ी ले सकते हो भाई। चलो आओ देखते हैं आगे, देख रहे हैं आगे, कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। बाकी मिस्री मुर्गियां सारी शॉर्ट हो गई है। कौन सी है यार ये? असील है। कितने की दे रहे हो? 1800 रुपए की असील है। अंडे देगी रोज? रोज देगी। कितने देगी? रोज एक देगी। कितने दिन तक देगी, कितने महीनों तक? अभी मजा आएगा ना भिड़ो, 10 अंडे देगी बस। भाई ये हमारे साथ जो सुमेर भाई आए हुए ना, इनको अंडे खाने हैं रोज। डॉक्टर ने बोला रोज अंडे खाओ, क्योंकि जिम विम जा रहे हैं, ये बॉडी वॉडी बना रहे हैं, तो अभी इनकी बॉडी नहीं बन रही। 10 अंडे तो यही खा जाएगा, इसके बाद क्या करेगा? क्या करूं, ऐसी मुर्गी हमें, ऐसी मुर्गी दो जो रोज अंडे दे 2-3 महीने तक। क्या बोला तूने? 2-3 महीने तक,
झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। वो भाई वो असल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम टेक्निकल मुर्गे, टेक्निकल कंट्री ना मुर्गे हमारा, हम बगैर मुर्गों के भी अंडे निकाल लेते पेट खिलाइए। असल में उनको फीड ऐसी खिलाई जाती है गरम, हाँ गरम फीड के, वो जो ना डायरेक्ट अंडों पर ही आ जाती है, मुर्गी की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाइना से भी आगे देखा आपने, आपको पता चल गया होगा कि भाई मिस्टेक की शॉट हुई है, क्योंकि जो है फीड बहुत महंगी हो गई है, अंडे महंगे हो गए, इसमें मिस्टेक शॉट है। आप उनसे पूछते हैं इनके पास है मिस्त्री मुर्गी पड़ी है, मिस्त्री नहीं है सर, ये सिंधी है। नहीं नहीं सिंधी भी चाहिए, ये असील है सर। यहाँ से आप मुर्गा खरीद के कटवाएं और कटवा के पीछे आ जाएं यहाँ पे सिख बोटी बनाने के लिए, यहीं पे आपको सिख बोटी भी मुर्गों की रेडी मिलेगी बिल्कुल। ओ भाई ये क्या है, आपने घबराना नहीं है, मार्केट के अंदर आपको यही खाना भी मिल जाएगा, सारी चीजें जरी मिलेगी। आज मार्केट में हमें बहुत जानने वाले लोग मिल रहे हैं, इवन की हमारे अब्बा भी मिल गए, वो यहाँ पौधे वगैरह लेने के लिए आए थे, पर मैंने उनको वीडियो में ही लिया क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं व्लॉगर बन गया हूँ। अगर पता चल जाता तो आपसे बहुत कुछ पूछते, और अगर पता चल जाता तो वो मेरी व्लॉगिंग सारी यही निकल जाती। ये एक मिस्री मुर्गी हमें नजर आई है यहाँ पे, क्या मांग रहे हो हैं? ओ भाई क्या हो गया यार, 1000 रुपए भाई अल्लाह को मानो। दूसरी दिखाओ, और तीसरी दिखाओ, ये पैसे तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, पता नहीं अभी क्या करें, क्या कर दोगे यार अगर देना है तो? 150 रुपया देगा, 500 रुपए दे दूंगा एक मुर्गी के। ले खरीदी है या बेच रहे हो? खरीदी है। कितने का मिला जोड़ा ये? 3000 का, 2500 का। इतनी महंगी हो गई अभी? ये म्यूटेशन की। अच्छा अच्छा म्यूटेशन के है, ये भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है फ्रेंचाइज भाई। क्या बोलो तुम, क्या बोलो तुम, जल्दी निकाल दे, 650 के हिसाब से बन गई, 650, 1200, 1800, 1900, मैं इसको दे रहा हूँ 1950 रुपए एक मुर्गी के, 650 रुपए, और अकल से बारीक बारीक बंदा 1800 रुपए में तीनों दे रहा है, मैं इसको ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, मुझे नहीं दी। ऐसे भी लोग हैं भाई, दिमाग से फिरे हुए, दिमाग से बारीक लोग हैं, उसको ये नहीं पता कि 1950 और 1800 में क्या फर्क। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओ धक्कम धुक्की धक्कम धुक्की धक्कम धुक्की धक्कम धुक्की, जेबें बचाएं, अपनी जेबें भी बचाएं धक्कम धुक्की में। सही कह रहा हूँ बिल्कुल। सुमेर, सुमेर भाई नहीं मिल रही मुर्गियाँ, क्या करें अब, वो एक से सौदा हमारा बन रहा था उससे भी नहीं बन पाया,
अजीब देहाती लोग है, पागल लोग है, उसको मैं दे रहा हूँ 1950 रुपए। बोला नहीं ये कम है, 1800 वाले को दूंगा। क्या करें शार्जन भाई, बिल्लियां ले ले क्या? यार यही लग रहा है मुझे कि जो बिल्ली उल्ली लेनी पड़ेगी, जो बिल्लियां भी आई हुई यहाँ पे, तोते भी है, बिल्लियां भी है। तो हमारा जो मूड था वो हम बड़े सैड हो गए, क्योंकि वो चीज हमें नहीं मिली जो हम जिस मकसद से हम यहाँ पे आए थे। चले नेक्स्ट टाइम जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप यार, ये कौन सी नस्ल की खरगोश है? किसके यार, इनमें नस्ल होती है ना, बच्चे इसका, बच्चे भी हैं। कितने का दे रहे हो? ये 5-5 हजार। अरे भैया रेट तो ऐसा हुआ है, 5-5 हजार, 2-2 हजार, 50-50 हजार, लाख। अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। ये देखिए, आपने वो कहानी तो सुनी होगी, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, एक दिन उड़ाया वापस ना आया। ये वही बुलबुल का बच्चा है, ये बुलबुल का बच्चा है, और ये बुलबुल का मालिक। बुलबुल के मालिक का क्या नाम है? याकूब, राजू, राजू की बुलबुल। ये है राजू, और ये है इनकी बुलबुल, राजू की बुलबुल। ये यहाँ पे और भी बुलबुल नजर आ गई है। 10-15-20 साल हो गए मेरे पास आते हैं। सुमेर भाई, वो आपने कहावत सुनी है, बुलबुल का बच्चा है, बुलबुल का बच्चा, मतलब कोई अच्छी चीज नजर आ जाती है साफ सुथरी, उसको बोलते हैं बुलबुल का बच्चा है। और वो हमें यहाँ पे मिल गई, वो हमें, आपको मैंने असल बुलबुल भी दिखा दी, ये होती है वो असल बुलबुल। इस बेचारी का नाम खराब किया हुआ, कोई घटिया चीज भी दे रहे होते तो बोलते हैं बुलबुल का बच्चा है, पर वो बुलबुल का बच्चा नहीं होता, असल ये बुलबुल का बच्चा है। भाई अभी तो हमें यहाँ कुछ भी नजर नहीं आया, जो हम लेने के लिए आए थे वो भी हमें नहीं मिला, बस अभी हम मायूस होकर जा रहे हैं। नेक्स्ट संडे को चक्कर लगाएंगे कि क्या पता हमें हमारी मतलब की चीज मिल जाए, जो हम लेने के लिए आए थे। बस अभी जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, बस अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे बजाज साहब के घर, बजाज साहब देखते हैं वहाँ हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। बाइक हमने खड़ी कर दी है, और मैं और सुमेर आए अभी बजाज साहब के घर, अक्षय कुमार। ओह माय गॉड, लुक एट दैट पर्सन, वाओ, ब्यूटीफुल। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का घर, और अक्षय कुमार हमें यहाँ मिल गया। अक्षय कुमार साहब, आप बैरिया से यहाँ कैसे आ गए भाई? यहाँ मैं एक दिन के लिए आया, सुबह मेरी रवानगी है 6 बजे की ना, 6 बजे की रवानगी है। जबरदस्त यार, आपसे मिला, छाया देख रहे हैं मुझे, समझे? और दूसरी बात ये, लोग जो बोलते हैं लाइक कर रहे हैं भाई, इनका कहने का मकसद ये, जहाँ ये बैरिया में प्रॉपर्टी वगैरह काम करते हैं वहाँ इनको सारे अक्षय के नाम से बुलाते हैं। अक्षय नाम से बुलाते हैं, नाम मेरा ताहिर है, ताहिर शाह इनका अपना असल नाम है, पर ये अक्षय के नाम से मिलते हैं। अक्षय, ये हमारी दादी जान, दादी अस्सलाम वालेकुम, दादी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो दादी? अरे भाई चलो, आप सुनाओ, अपने टुकड़ा सुनाओ, क्या हुआ? ये तो, ये तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। और दादा की याद आती है? दादा की याद आती है, चेंज कर रहे हैं वो ट्रेंड में बिल्कुल। और अभी हम दोबारा से जो मार्केट की तरफ रवा दवाएं, सुमेर साहब ने बोला है कि हमने मुर्गी लेनी है तो बस लेनी है। शार्दन भाई, आप हमें मुर्गी दिला के रहो तो दिलाओ, बस बस कुछ अंडे खाने हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना देसी अंडे खाने हैं, मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ रही है, कमजोरी बहुत आ गई, मुझे अंडे खाने हैं बस। भाई इनके साथ फिर हम दोबारा से जा रहे हैं मार्केट, कि वहाँ कोई हमें कोई कमजोर सी मुर्गी मिल जाए, पर मिल जाए। Thank you.
का फर्स्ट टाइम है मेरा बाइक पे बैठ के व्लॉग बनाने का। हाँ जुमेर साहब, मुर्गियाँ इनके पास भी शॉर्ट है भाई, सारी मुर्गियाँ, कुछ भी नहीं हमारे मतलब का, तो कुछ भी नहीं है। क्या करें यार, कुछ पड़ा है यार, मिस्री वगैरह पड़ी हुई है, ये मिस्री यहाँ पड़ी हुई है, मिस्री अंडे वाली नहीं है। 15-20 दिन लगेंगे। ये तो अभी से ही सो रही है यार, ये वाली सही नहीं, छोटी वाली रात में मजदूरी की है शायद, इसने ये सो रही है। पकड़ा कितने की है? 100-150। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। भाई कितने की दिला रहा था मैं, हैं? बस हवा निकल गई। निकल गई हवा, मजा आया। आगे चल के देखते, आगे भी आगे नहीं है, आगे कुछ भी नहीं, आगे एक ही दुकान है बस। अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है यार। नहीं, हमें ऐसी मुर्गी चाहिए, बस हम अभी लेकर जाएं, वो घर पे फौरन से अंडा दे दे हमें। ऐसी मुर्गी बताओ, नहीं नहीं मिलेगी, कहीं तो मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, सुबह देने देने वाली, रात में दे दे। 10 नंबर, देखो कमीशन वाले भी पत्ता बना है मुर्गी का। ये तो हमें रास्ता ही 10 नंबर का दिखा रहा है, हम चाह रहे हैं हमें ऐसी मुर्गी मिलेगी, अभी हम मुर्गी खरीदे, घर जाके हमें अंडा मिले और सुबह नाश्ते में अंडा खाएं, पर हमें ऐसी मुर्गी नहीं मिल रही यार। कहाँ मिलेगी? 10 नंबर, 10 नंबर में नीचे अंडा रखो, सुबह उसे उठा के खा लो, अंडा मिल गया। हाँ भाई, कहाँ चले अब? चलते सीधा घर, घर घर चलो। चलो भाई, सुबह भाई की निकल गई हवा, हम दिला रहे थे इनको वहाँ पे इतनी सस्ती मुर्गियाँ, और इन्होंने कहा नहीं हमें तो और करनी चाहिए, उस चक्कर में वो भी निकल गई। और यहाँ जब हम आए तो यहाँ तो 900-1000 इससे कम में कोई मुर्गी नहीं दे रहा। मुर्गियाँ भी बिल्कुल थर्ड क्लास, मरी हुई मुर्गियाँ। तो मेहर साहब को कुछ भी नहीं मिला, मुर्गी वर्गी कुछ नहीं मिला इन्हें वाला, कम से कम मुर्गी की बिरयानी खा लेते हैं भाई। तो बस हम मुर्गी तो कर रहे हैं पर मुर्गी नहीं मिली, हम मुर्गी की बिरयानी खा लेते हैं। ऐसे ही है कि हम हैदराबाद की मशहूर तरीन ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट MA कोचिंग सेंटर, नहीं यार, रहमान पकवान रेस्टोरेंट पर आए, ये तो कोचिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ है। आओ बैठो सुमेर साहब, वेलकम अल रहमान पकवान रेस्टोरेंट। और यहाँ भी आ चुका है हमारी, आ चुका है आज, क्या आ चुका है, अच्छा पुलाव आ चुका है, और चुका है वो चुकी है बिरयानी चुकी है। सुमेर भाई, मुर्गी तो आपको मिली नहीं, अब हम करेंगे एक नया चीज़, मुर्गी के पैसे हैं। नहीं, मुर्गी आपसे है नाराज, आपने देखो मुर्गी सुबह से कर रहे हो, आपने पुलाव मंगाया वो भी गोश्त का आ गया। आज हमारे नसीब में बिल्कुल चिकन का आइटम भी, मुर्गी नाराज है भाई आपसे, बिल्कुल सख्त नाराज है यार, क्या कर दिया मुर्गी नाराज हो गया। और हमारे साथ अभी यहाँ वजाज साहब भी आ चुके हैं, वजाज साहब अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ है, इसलिए इनके अभी से कपड़े फट चुके हैं, ये चढ़े वाली हालत में आ गए। और हमारे साथ ये हुए तो भी आ गए, इन्होंने अभी निकाह किया है, और निकाह करके इनका भी हालत ऐसी हो गई है, इनकी भी पैंटें फट गई हैं, बहुत हालत महंगाई ने अलग हालत खराब हो गई थी, ऊपर से शादियाँ करके और हालत खराब हो गई। एक पैंट मुर्गी लेने जा रहे हैं, 1000 रुपये रखे, थोड़ा खुद का भी सेंस होता है, 1000 रुपये में कोई मुर्गी दे। हमें समीर भाई 4 मुर्गियाँ दिला रहे थे, वो समीर सैम है, वो समीर सैम की क्या बात है, वो तो 8 भी दिला सकते हैं, वो खुद मुर्गी जितने। थक हार के हम अपने फाइनली घर आ चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला, मुर्गियाँ इतनी महंगी रेट आसमानों में, और फिर ऊपर से जो हम मैंने जो मुझे मुर्गियाँ चाहिए थी वो मुर्गियाँ ही नहीं मिली, क्योंकि जो मैंने जो मिस्री अच्छी नस्ल की रखी हैं मुर्गियाँ जो अंडे ज़्यादा देती हैं, वो मुर्गियाँ ही पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं, एक बंदे के पास हमें मिली, तो उसने जो है ना पैसे इतने बोले, हमने कहा चलो ले लेते हैं यार, महंगी दे रहा, तो बदकिस्मती से जो एक लड़का पीछे से आया वो भी लेके चला गया। खैर दोबारा जाएंगे, व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना तो आपको पता है कि भूलना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये भाई का चैनल है। अल्लाह हाफिज़।